तो वो कवर करते हैं। नालिए और नहा धो के अब हम नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ता क्या कर रहे हैं, चने का सत्तू खत्म हो चुका है, चने बाकी हैं तो भर लिए जेब में और चल लिए हैं पैदल पैदल शिव मंदिर की तरफ। जगह बहुत ही रमणीक है, एकदम शांत, दूर दूर तक कोई नहीं। अभी अचानक से कोई गाड़ी वाला एक आ गया, बाइक वाला, उसने बताया कि वो रास्ता नहीं है, ये रास्ते से जाओ आप शिव मंदिर, 200 मीटर है और फिर उसके बाद 200 मीटर है रेलवे का पुल और ऊपर जो गोरखनाथ मंदिर है वो है 1500 मीटर ऊंचा, मतलब लगभग 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर के आसपास, तो वो अलग दिशा ही अलग दिशा है। पहले शिव मंदिर जाएंगे, रेलवे पुल जाएंगे, उसके बाद लौटेंगे गोरम घाट स्टेशन, स्टेशन से ऊपर जाएंगे गोरखनाथ मंदिर। तो चलिए अब होगा ये ट्रैक पैदल का, छोटा सा ट्रैक है, करते हैं। तो पक्षियों की आवाज़ भी सुनाई दे रही है यहाँ, और कोई शोर नहीं है। हम आ गए हैं शिव मंदिर के पास और मैं आपको पीछे ऐसे बैकग्राउंड में दिखाऊं तो सूरज की वजह से दिख नहीं रहा, लेकिन मेरे पीछे ब्रिज है और ब्रिज के उस तरफ है शिव मंदिर और नदी आ रही है उधर से ही, और ये पहाड़ों से नदी गिर रही है तो बड़ी प्यारी आवाज़ कर रही है, ये कल कल की आवाज़ बहती हुई नीचे तक ये जा रही है, कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ पक्षियों की आवाज़ के अलावा और कुछ भी सुनाई दे रहा है। यहाँ दो लंगूर हैं ये धौलपुर वाले, बाकी इन दो लंगूरों के अलावा कुछ बोल रहे हैं, पक्षी बोल रहे हैं या पानी की आवाज़ आ रही है, और कोई जीव जंतु नहीं है, सिर्फ दो ही है, दो अलग प्रजाति के दो जीव हैं, विशेष घुमक्कड़ प्रजाति के जीव, उसके अलावा कोई अन्य जीव नहीं है। तो चलिए चलते, अभी मंदिर दूर है थोड़ा सा, दूर मतलब 100 मीटर है, चलते हैं ऊपर चढ़ना है अभी। ये पुल आ गया और यहाँ ऊपर अभी 10:30 पे एक ट्रेन निकलेगी और ये नज़ारा बहुत खूबसूरत होगा देखने लायक। जैसे हम पुल के नीचे खड़े हैं, अभी शिव मंदिर जो है इसके ठीक पीछे है, सूर्य की वजह से दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे झरने यहाँ ऊपर तक ऐसे ही बह रहे हैं। ऊपर शिव मंदिर है और शिव मंदिर के इधर ये रेलवे का पुल, जोग मंडी वाटरफॉल, प्लेटफॉर्म बना हुआ है, प्रकृति की गोद में छुपा हुआ है। इतना सुंदर नज़ारा, भोलेनाथ साक्षात प्रकट हो गए यहाँ, बहुत ही सुंदर रमणीक जगह है, मज़ेदार। झरने वाली पहाड़ी के ठीक नीचे ये छोटी सी गुफा है और इस गुफा में भोलेनाथ विराजमान, पानी टपक रहा है। ये है टपकेश्वर महादेव, उजाला करो, ये छोटी सी गुफा बनाई है पानी ने। ओहो क्या अंदर संरचना है, देखो गजब की, ये कितनी बढ़िया
चलिए बनाइए, देखो अंदर कैसे पत्थर को काट काट के बनाई, देखो पत्थर के देखो कैसे काटा पानी से, ऐसा लग रहा है जैसे ऑक्टोपस, नहीं नहीं अंदर देखो ऑक्टोपस लग रहा है ऑक्टोपस। अरे यार ये बहुत अच्छे थे, ऊपर जो बन रही है ये बड़ी मस्त लग रही है, ये क्या है मछली जी, चिकना पत्थर ही है ऊपर से, पत्थर ही तो है, पानी के टपकने से, पानी के टपकने से चिकना हो गया बिल्कुल, ऐसा लग रही है जैसे मछली मछली हो। ये है मेरे पीछे शिव मंदिर यहाँ, लेकिन मंदिर पर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है, गेट लगा हुआ है, पक्षी जरूर है यहाँ पे, हालांकि एक लाइन टेंट भी है, एक दो मंदिर भी, वो कमरे वमरे भी बने हुए हैं, पहले कोई यहाँ रहता होगा, अभी फिलहाल हाल फिलहाल तो कोई है नहीं है, बिल्कुल सुनसान है इधर। यहाँ एक इधर एक टपकेश्वर महादेव हैं, झरने की जो पहाड़ी है उसी पहाड़ी के नीचे एक छोटी सी गुफा है, उस गुफा में जो पानी टपक रहा है वहाँ महादेव की शिवलिंग और उनका परिवार पूरा विराजमान है। मैं यदि मंदिर से अलग बात करूं तो ये जो जगह है आप यहां से देख सकते हैं कितनी प्राकृतिक, कितनी सुंदर, कितना सुंदर नज़ारा है, बहुत ही गजब की जगह है, सुंदर झरना है और नदी बह रही है, सामने ब्रिज है, यहाँ वो ट्रेन गुजरती हुई कितना मनोरम दृश्य होता हुआ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ट्रेन आने वाली है और हम आपको ट्रेन का नज़ारा दिखाने वाले हैं, हम बुरम घाट से उसी ट्रेन को पकड़ के हम निकल जाएंगे मारवाड़ जंक्शन। तो अगला वीडियो होगा पुष्कर का, तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। ये है शिव मंदिर, इस खूबसूरत पहाड़ और झरनों के बीच में एक प्यारी सी जगह जहां आप प्राकृतिक आपदा आने पर शरण पा सकते हैं। यहां दो तीन कमरे बने हुए हैं, रसोई भी है और यज्ञशाला भी है, पर यहां कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है, तो हो सकता है बाबा कहीं गए हों, फिलहाल यहाँ मंदिर खाली है, हालांकि यहाँ ताला लगा हुआ है एक कमरे में, और यहाँ शौचालय वगैरह, नहाने वाने की जगह, पानी पीने का भी सारी चीज़ें मौजूद हैं। मेरे पीछे देखेंगे यहाँ रेलवे पटरी है, यहीं होकर ट्रेन गुजरती है, और यहाँ से वो जो दृश्य है सामान्यतः जो रेलवे ब्रिज का दृश्य देखा जाता है वो यहाँ से लिया जाता है, यहाँ से दोनों ब्रिज दिखाई देते हैं, एक तो ये वाला ब्रिज दिखाई दे रहा है, एक तो ये वाला ब्रिज और एक वो हेरिटेज पुराना ब्रिज, ये दोनों ब्रिज हैं। कैसा लग गया हो? जल्दी आ गया था, हाँ तो जल्दी आ गया। हाँ तो जल्दी आ गई यार।
बातरा मौका करो खुश रहो, आनंद करे जाओ, खुश रहो, खुश रहो। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो अगली वीडियो फिर मिलते हैं पुष्कर में, तीर्थों का राजा पुष्कर अगली वीडियो में। जब तक के लिए हर हर महादेव। ओम भोले। पानी मिला लो और सत्तू भी मिला लेना। अरे भाई सत्तू डाल लेना, थोड़ा ही देना, बस 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 बस। आप ले आप। सही है। राशन टाइट है। अन्ना पानी डाली हो राम? अरे बांग से डाले, चाय डाली उनका डाले है बेटा। टेस्ट है तेरे में का आपत करवाई दी। भाई अंग ले जा, अब बारंग ले जा, बारंग ले जा, बारंग ले 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 उधर ही लगा, सारे को खिला दे, पूरा बैग खिला दे, पूरा बैग। ओ इधर वाला बैग को अभी थोड़ी देर में कर दे, मैं क्यों हत्या करवा रहा था? काऊ की मैं क्यों ये कछु ना कहे काऊ ते जाओ मत ना आओ अब नहीं है इसमें खाली दे जाओ जाओ अब जाओ ना बोले सतू ने के संग थोड़ा बहुत जाओ मत निकारिया, जाओ मत पता पाती हुई जाऊंगा तो, नहीं तो तेरे तो ही लंका लग जाएगी आज। वो पन्नी लेओ है जाम खेलायो।